सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे एक नए विषय के साथ। विषय का नाम है भाषा। तन की बात मन की बात, एक दूजे को जो समझाए, ऐसी वाणी ऐसी बोली ही तो भाषा कहलाए। तो बच्चों, यहाँ आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। हम पहले चित्र के बारे में चर्चा करते हैं। एक बच्चे के हाथ में तोता है। यहाँ दो बच्चे आपस में तोते के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे बोलकर और सुनकर अपने मन की बात या विचार एक दूसरे को बता रहे हैं। पहला बच्चा कहता है, अरे बड़ा प्यारा तोता है। तो दूसरा बच्चा कहता है, हाँ। आइए अब हम दूसरे चित्र के बारे में बात करते हैं। इस चित्र में एक महिला ने अपनी ज़रूरत का सामान लिखकर दुकानदार को दिया और उसने पढ़कर सामान निकाला। इस तरह यहाँ लिखकर पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हुआ। दो प्रकार के चित्र थे, दोनों में अलग अलग तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भाषा किसे कहते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करती हूँ। पृथ्वी पर जितने भी तरह के जीव हैं, इंसान उन सब जीवों से अलग है। इंसान उन जीवों से अलग क्यों है? क्योंकि भगवान ने इंसान को बोलने की एक शक्ति प्रदान की है जो जीवों के पास नहीं है। तो इंसान जब बोलकर समझता है या लिखी हुई बात को पढ़ता है, वही भाषा है। आइए भाषा की परिभाषा से शुरू करते हैं। बोल सुनकर या लिख पढ़कर अपने मन की बात, विचार या भाव एक दूसरे को बताना ही भाषा कहलाता है। आइए एक चित्र के माध्यम से मैं आपको भाषा के रूपों से अवगत कराती हूँ। भाषा के दो प्रकार होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मौखिक मुख, मुख का अर्थ होता है मुँह, मतलब मन की बात बोलकर या सुनकर समझना ही मौखिक भाषा है। जिस प्रकार हम टीवी पर समाचार सुनते हैं, रेडियो पर हम गाने सुनते हैं, या बच्चों आप भी अपनी माता से या पिता से घर पर कहानियाँ सुनते हो, वो भाषा का मौखिक रूप है। लिखित रूप, लिखित मतलब लिखकर। जिस प्रकार हम कोई भी बात लिखी हुई बात को पढ़कर समझते हैं या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो भाषा का लिखित रूप है। आइए चलते हैं अगली तरफ। मैंने आपको मौखिक और लिखित भाषा के बारे में बताया, अब हम इस चित्र के बारे में बात करते हैं। कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी मन की बात दूसरों को समझाते हैं। इस चित्र में एक रेलगाड़ी में एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा है, लेकिन बाहर उसके संबंधी उसको हाथ हिलाकर बाय बाय कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ना तो बोला है, ना कुछ लिखकर अपनी बात प्रकट की है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा संकेत दिया है जिससे कि पता चलता है कि वो अपनी बात को दूसरे इंसान तक पहुँचा रहे हैं। यानी कि भाषा का तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा, जिसमें हम अपनी बात को किसी भी संकेत द्वारा दूसरे तक पहुंचाते हैं। मनुष्य की तरह पशु पक्षी व दूसरे जीव जंतु भी अलग अलग आवाज़ें और शारीरिक क्रियाओं द्वारा आपस में बात करते हैं। जैसे कौवा काँव काँव कर कर अपनी बात बताता है, चिड़िया चींची कर कर, बकरी मैमै कर कर और मेंढक टर्टर की आवाज़ करता है। जीवों की भी एक अपनी ही भाषा है, पर इन आवाज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए भाषा के रूप में इन्हें मान्यता नहीं देते हैं। ये पशु पक्षियों की बोलियाँ कही जाती हैं। तो हमने पढ़ा भाषा के बारे में, आप सबको समझ आया होगा। तो भाषा को पढ़कर घर पर इसका प्रयास करना। धन्यवाद।